शुक्रवार को अड़िंग के लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल में मथुरा युवा सेवा संघ आश्रम से आए पंडित अवनीश शर्मा ने विद्यालय के बच्चों को तुलसी रहस्य के बारे में जानकारी दी। वहीं विद्यालयों को तुलसी से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। तो वहीं विद्यालय स्टाफ व बच्चों ने विद्यालय परिसर में तुलसी पूजन किया। पंडित शर्मा ने बताया कि तुलसी बड़ी पवित्र एवं अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये माँ के समान सभी प्रकार से हमारा लक्षण करती है। हिंदुओं के प्रत्येक शुभ कार्य में भगवान के प्रसाद में तुलसी का प्रयोग होता है। यहाँ तुलसी के पौधे होते हैं, वहाँ की वायु शुद्ध और पवित्र रहती है। साथ ही पंडित अवनीश ने बताया कि जिसके मुंह से दुर्गंध आती हो वह रोज तुलसी के पत्ते खाए तो मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। इस दौरान बच्चों ने संस्था से आए महानुभावों की बातों पर ध्यान देते हुए रोजाना तुलसी पूजन करने का संकल्प लिया और तुलसी की परिक्रमा देकर पूजा का समापन हुआ। विद्यार्थियों ने 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के रूप में मनाने की बात कही। तुलसी पूजन का कार्यक्रम किया गया, इसको लेकर किया गया, क्या क्या कार्यक्रम आपने इसको किया? देखिए, बाहर से 4-5 लोग आए थे, उन लोगों ने बच्चों को स्कूल में तुलसी जी की जो महत्व है, तुलसी जी का, उसके बारे में बताया गया है और गीता जी का जो महत्व है उसके बारे में बताया है। बच्चों को कितने बजे जगना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें जो बच्चों के हित की थी विद्यालय के हिसाब से, वो इन लोगों ने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। और क्या क्या कुछ बच्चों ने इनसे सीख ली और क्या बच्चों का सारी प्रोग्राम लगा और 25 दिसंबर को बताया जा रहा है तुलसी दिवस को लेकर क्या तैयारियाँ आपके विद्यालय से की जा रही है? बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। सभी बच्चों ने कहा है कि सर, हमें जो गुरुजी ने टाइम बताया है पढ़ने के लिए उसी हिसाब से हमें पढ़ना है, उसी हिसाब से हमें सुबह जगना है, उसी हिसाब से सोना है। जो इन लोगों ने बातें बच्चों को बताई हैं वो बच्चों के हित की बातें थीं और बहुत ही अच्छी बातें थी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? इस विद्यालय में आपके जो प्रोग्राम कराया गया तुलसी पूजन को लेकर क्या कुछ लोगों ने बताया बच्चों को, क्या महत्व है तुलसी का? हम पूज्य संसे आश्रम बापूजी आश्रम से आए हैं, मथुरा से युवा सेवा संघ से, और ये पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से पूरे भारत भर में हर वर्ष 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। और 8 दिसंबर को अभी गीता जयंती के बारे में हमने बताया यहाँ पर, और यहाँ पर हम पहली बार आए हैं लेकिन यहाँ पर आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के व्यवस्था को देखकर, यहाँ के डिसिप्लिन को देखकर, यहाँ के बच्चों को देखकर हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई है और बच्चों को काफ़ी यहाँ पर सीखने को मिला। आसन, प्राणायाम, तुलसी की महिमा, गीता की महिमा, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करने की महिमा आदि आदि यहाँ पर बहुत सारी हमने। इससे पूर्व और भी किसी विद्यालय में आप गए? हाँ जी, कई विद्यालय में गए, मथुरा के, अपने आगरा के, अभी यहाँ से फरीदाबाद में, दिल्ली में, पूरे भारत भर में, कुरुक्षेत्र में भी अपना प्रोग्राम है, पूरे भारत भर में प्रोग्राम चल रहे हैं। इस प्रोग्राम को लेकर आप लोगों की कितनी टीम बनी हुई है या आप ही खुद सब सारी ये टीम हमारे पूरे भारत भर में अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग आश्रम में, अलग अलग समितियों के द्वारा, युवा सेवा संघ के भाई द्वारा, बाल संस्कार केंद्रों के द्वारा बनी हुई।